एंड वेरी वार्म वेलकम टू दिस लास्ट वीडियो फाइनेंशियल मॉडलिंग जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया था आज से कुछ महीने पहले ये इंशाल्लाह उस कोर्स की फाइनेंशियल मॉडलिंग की लास्ट वीडियो होगी क्योंकि इसके अंदर हमने सारा जो फाइनेंशियल uh, मॉडल है वो स्क्रैच से लेके सारा बनाना सीखा था तो इस वाले फाइनेंशियल मॉडल के टेम्पलेट में हमारी ये लास्ट वीडियो होगी अच्छा मैं uh, दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि दो वीक्स से ज्यादा हो गया टाइम मैंने इसकी वीडियो नहीं डाली ड्यू टू माई बिजीजल तो इसमें मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कि हम लोग कर क्या रहे थे सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस की ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स बनाए थे यहाँ पे और ये बैलेंस शीट का देन हमने इसको लिंक लगाया था इन अजम्पशन शीट से प्रॉफिट एंड लॉस अजम्पशन शीट्स इसमें फिर हमने ये सीनरियोज बनाए थे बेस केस वर्स्ट केस और आपका बेस्ट केस सिनेरियो ठीक है उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई थी बैलेंस शीट एजम्पन्स बनाई थी देन हमने इसको लिंक किया था प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ पे और यहाँ पे बैलेंस शीट से सबसिक्वेंटली हमने फिर कैश फ्लोज बनाई थी ऐसे जिसके अंदर आपके जो इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनती है नेट प्रॉफिट प्लस एप्रीसी वगैरह और सारे को लेके आपकी जो है वो नेट कैश फ्लोज बन गई थी इसके बाद लास्ट में हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो की वैल्यूएशन की थी इसमें मैंने आपको सीनेरियोज भी रन करके दिखाए थे और एक कंपनी की वैल्यू कैसे बनाते हैं यूजिक वैक यूजिंग वैग ग्रोथ रेट एंड कैश फ्लोज वही बना के दिखाया था अच्छा उसके बाद ना मैंने आपको ये डीसी बना के दिखाई थी इसमें हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली थी कैश फ्लोज की इसी तरह टर्मिनल वैल्यू निकाली थी कैश फ्लोज की फिर हमने इंटरप्राइज वैल्यू निकाली इसमें से आपका जो डेट है या इसका दूसरा नाम हमने फाइनेंशियल लाइबिलिटीज लिखा था वो माइनस कर दी और जो आपका कैश है वो आपका ऐड कर दिया तो आपके पास इक्विटी की वैल्यू होगी अच्छा इसके बाद हमने जूम किया था कि इस कंपनी की सपोज करें वैल्यू नंबर ऑफ शेयर टेन मिलियन तो एक शेयर की कितनी प्राइस निकालेंगे मार्केट प्राइस वो भी मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया था सब्सिक्वेंटली मैंने आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करके दिखाया था ये वाला इसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि अगर आपके पास यहाँ पे एक वैक है ना तो यहाँ पे अगर आपने एक से ज्यादा वैक पे देखना हो कि कंपनी की वैल्यू कितनी होगी तो आप वो चेक कर सकते हैं तो मैंने आपको ये चार किस्म के वैक और चार किस्म के ग्रोथ रेट डाल के दिखाए थे और इन चारों के ऊपर हमने सोलह किस्म की वैल्यूएशन जो है वो निकाल दी थी तो ये वो सारी वैल्यूएशन है आपके पास फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वैल्युएशन आपके पास नंबर में इनको बिलियंस में या मिलियंस में या ट्रिलियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने इस वीडियो में देखा था अब ये आपका फाइनेंशियल मॉडल पूरा हो गया सिर्फ इसमें एक लास्ट चीज रह गई है वो है चार्ट अच्छा इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस भी था ब्रेक इवन एनालिसिस जो हमारा करंट सीना उसमें फिट नहीं बैठता तो मैं आपको बता देता हूँ करते कैसे हैं शाला फिर नेक्स्ट इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना लेंगे और जो आने वाले हमारे फाइनेंशियल मॉडलिंग की नया कोई मॉडल शुरू करेंगे तो उसके अंदर भी इसको इंक्लूड कर लेंगे सास वगैरह का जब बनाएंगे ए सी एस वगैरह तो वहां पर कैलकुलेट करके दिखा भी दूंगा ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे निकलता है बेसिकली जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो प्लस जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है ठीक है ये अच्छा इसको आपके बराबर होना चाहिए जितना आपका क्या है सेल्स इसका अगर आप उसको ऐसे लेकिन तो उस कॉस्ट और सेल जहां पे बराबर हो जाए ना वो पॉइंट कौन सा होता है आपका ब्रेक इवन या वो पॉइंट जहा पे प्रॉफिट क्या हो जीरो हो जाए प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर हो जाए और दोनों किसके बराबर हो जीरो के यानी ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो अगर आप एक रुपया भी एक्स्ट्रा एक रुपया की एक्स्ट्रा भी, एक्स्ट्रा भी सेल करोगे फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने एक लाख एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया ठीक है और उस बिजनेस से आप कोई चीज बना के बेचते हो वो चीज है फॉर एग्जांपल आप ये माउस बना के बेचते हो अच्छा एक माउस बिक, बिकता हजार रुपए का अब अगर आप सो माउस बेचोगे ना तो आपका क्या होगा वो जो आपने इनिशियल कॉस्ट एक लाख लगाई थी ना वो क्या हो जाएगी पूरी हो जाएगी अब सो माउस क्या है आपका ब्रेक इवन पॉइंट यानी जब तक आप सो माउस नहीं बेचोगे ना फर्स्ट हंड्रेड यूनिट्स अपने प्रोडक्ट की सेल नहीं करोगे तब तक आप ब्रेक इवन एनालिसिस ब्रेक इवन पॉइंट अचीव नहीं करेंगे जैसे ही आपका एक माउस एक्स्ट्रा बिकेगा एक सौ एक नंबर माउस तो वो जितना भी पैसा आपको आएगा वो सारा का सारा क्या होगा प्रॉफिट होगा राइट तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिससे ऊपर अगर आप सेल करना शुरू करो तो वो सारे के सारे पैसे किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं आपके प्रॉफिट के अंदर तो ये आपका ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया अच्छा जी उसके बाद आ, यहां से आपका चार्ट्स में चार्ट्स में आपके पास मल्टीपल चार्ट्स बन सकते हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा बनता है वो बनता है आपका इबिट्टा बिट्टा रिवेन्यू और नेट इनकम का नेट प्रॉफिट का या नेट इनकम नेट प्रॉफिट का जो आपके पास एक रिलेशनशिप होता है वो दे, वो देखते हैं हम या हाँ या ऐसे देख लेते हैं या ऐसे इसको ना आप दो तीन तरीके से देख सकते हो मैं आपको भी बना के दिखाता हूँ या आपके पास एक इसमें वर्किंग कैपिटल का चार्ट बन जाता है या आपके पास डीसी वैल्युएशन का तो हम वो दोनों तीनों चार्ट जो है ना इस वीडियो में बना के देखते हैं अच्छा बिट्टा सबसे पहले आपका रेवेन्यू आ जाएगा रेवेन्यू ले लेते हैं हम अपना और फिर ये बिट्टा ले लेते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अमोर्टाइजेशन राइट और फिर आप नेट प्रॉफिट की परसेंटेज ले लो तो ये आपके पास आ गया अच्छा पहले इसका वो फॉर्मेटिंग थोड़ी ठीक कर लेते हैं ये हमने ईयर ओवर ईयर बनाना है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सारे फिगर्स आ रही हैं तो ये ईयर वन आ जाएगा आपके पास आ, बीच में गैप आ रहा है तो हम वही गैप को मेंटेन रखते हैं क्योंकि हमने अपना एक ही फॉर्मेट पे चलाना है सारा तो गैप आप मेंटेन रखो अच्छा ये मैं आसानी के लिए ना इसको उठा के इधर लेके जा रहा हूँ ताकि वो जो दोनों के दरमियान शफलिंग है ना वो आसान हो जाए अच्छा ये टोटल रेवेन्यू आ गया आपका ठीक है और यहाँ से आपके टोटल आ आगे अब आप इबिटा भी कॉपी कर रहे हैं पी बी टी मिसेज ये बिट्टा है ठीक है पीबीआईटी जिसको आप बोल रहे हैं डेप्रेशन मोटाइजेशन हमने ली ही नहीं थी वरना ये जो पॉइंट होता है ना जिसमें डेप्रेशन मोटाइजेशन अभी माइनस नहीं की होती उसको आप क्या लेते हैं अपना ये बिट्टा और तेन आपके पास रेवेन्यू की जो है परसेंटेज है नेट इनकम की अच्छा परसेंटेज भी बना लेते हैं बना के दिखा देते हैं आपको ठीक है जी अच्छा ये परसेंटेज लेनी है ना आपने रेवेन्यू की परसेंटेज लेनी क्यों है अभी आपको इंटरेस्टिंगली समझ भी आएगा इसको मैं इसकी परसेंटेज बना देता हूँ दोबारा परसेंटेज कन्वर्ट करने की कीज है एच एन पी ठीक ये मैंने आपको जो हमारी एक्सेल की वीडियोस थी उसके अंदर आपको ये सारी जो कमांड्स वगैरह है वो बता बताती अगर नहीं आपने अभी तक देखी तो पहले वो वीडियो आई आई कि वो वीडियो देख ले ताकि आपको ये कीज के अंदर ना कम अज कम मसला ना हो कि हम कौन कौन सी कीज यूज कर रहे हैं अच्छा अब आपने जो चार्ट बनाना है वो कैसे बनाना है सबसे पहले आपने ये जो टाइम है ना जो ईयर की है ये सेलेक्ट करना है पाँच साल का बनाना है अच्छा ये सेलेक्ट किया कंट्रोल दबाना है कंट्रोल के बाद आपने पाँच साल के रेवेन्यू सेलेक्ट किया ये पाँच साल का बिट्टा सेलेक्ट किया और पाँच साल का ये नेट प्रॉफिट का ये परसेंटेज वाला सेलेक्ट किया इसमें आप गए रिकमेंडेड चार्ट्स में अच्छा जी कोई रिकमेंडेड चार्ट नहीं है अच्छा ऑल चार्ट्स में गए यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा कॉम्बो ये वाला चार्ट ठीक है अच्छा इसमें एक मसला कर रहा है ये इसको ऐसे करें अगर हम तो हाँ देखिए ना ऐसे वो ये वाला भी जो है ना पूरा सेलेक्ट करना था इसमें जो मैं चाह रहा था वो वाला चार्ट आ जाए तो तो फिर ये वाला ही ले लेते हैं इसी के अंदर ना मोडिफिकेशन करके दिखाता हूँ आपको तो ये चार्ट आपके पास आ गया अब चार्ट के साथ भी थोड़ा सा आपको आना चाहिए खेलना के चार्ट्स को कैसे यूज करते हैं नंबर जो है ना बहुत ही ज्यादा है ये देखो ये million, पहले वीडियो में दिखाया था कि इन सारे नंबर को ना आप कन्वर्ट कर लें आ, जो आपका है ना ये सारे मिलियन में सेट बैठेगा मिलियन में इनको कन्वर्ट कर लें कैसे करेंगे जी अब ये आप लोगों को उम्मीद आ जाना चाहिए एक आपने थाउजेंड uh, एंड फिर मिलियन में जाना है तो uh, तीन तीन सिफर के बाद आप कोमालेंगे एक, एक तो पहले तीन सिफर पे आ गया फिर दूसरे तीन सिफर पे आ जाएगा तो अभी सारे वर्ड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे इनशाला मिलियन में होगी कन्वर्ट इसको अब आप जाए यहाँ पे अभी सारे मिलियन अगर मिलियन लिखना भी चाह रहे हैं वो भी लिख के दिखा देता हूँ आपको मैंने आपको पहले सिखाया भी हुआ अगर यहाँ पे मिलियन है तो यहाँ पे जाए एक आप इस तरह डालें कॉलन और मिलियन लिखें और उसको क्लोज करें तो इंशाल्लाह सॉरी आपके पास ये मिलियन लिखा हुआ भी आ जाएगा अच्छा मैं इसको जाके रीसेट करता हूँ दोबारा से बनाते हैं या इसको रीसेट करते हैं ना रीसेट करते हैं काम करते हैं इसको दोबारा बनाते हैं अभी भी नहीं कर रहा चलें फिर इसको इसका एक तरीका और भी हो सकता है यहाँ पे जाए आप ये यह गया यहाँ पे एकसेज में एकसेज में गए एक्सेस ऑप्शन में राइट ये नंबर में ये आ गया ना नंबर में नंबर में यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाके ऐसे कर दो जो कोड उधर नहीं लिखा था वो कोड इधर कॉपी कर दो तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे तो या उस तरह से कर ले या इस तरह से कर ले मैं दोनों तरीके से जो है वो वर्ड जो है आपके कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है अच्छा ये देखो इधर ना जीरो आना था ना तो जीरो नहीं उठा रहा तो आप इसके पीछे एक जीरो डाल दो जाके तो ये सारे नंबर जो है वो जीरो में आ जाएंगे ठीक है सही इधर भी जीरो आना शुरू हो गया अच्छा इसी तरह ये आपके पास इस साइड का एक्सरसाइज को कैसे सेट करेंगे इसको ऑब्वियसली हमने परसेंटेजेस तो में लेके जाना है तो इसमें आप इसके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें डायरेक्टली तो ये देखिए दो दो परसेंट तक में ये आपके पास गया ठीक है जी इस तरह से आसान हो गया मामला अच्छा ये आपका वर्सेस नेट इनकम ठीक है ये आपका जो एक रिलेशनशिप आपको ये एक आपको दिखाना होता है जी अपने फाइनेंशियल मॉडल में के हमारा जो रेवेन्यू है वो इन कैसे मूव कर रहा है इन लाइन विद एंड नेट इनकम ठीक है ईयर ओवर ईयर जो है ट्रेंड आपने शो करवाना होता है अच्छा ये जो लाइन है इस लाइन को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो अः अच्छा उसके अलावा चार्ट में और चीजें देख लेते हैं उसके बाद लाइन पे भी चलते हैं लाइन की भी चेंज हो जाती है डिफरेंट तरह से आ जाती है अच्छा ये एक्सेस टाइटल है जी ये अगर आप यहाँ पे इस पर टाइटल लिखना चाहो जैसे यहाँ पे मैं लिख दू यूएसडी और यहाँ पे लिख दू परसेंटेज ठीक है जो भी मेरा दिल करता है मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ अच्छा ये इस साइड पे लिख इयर्स राइट जो भी ये इन्वेस्टमेंट होराइजन इधर लिख सकता हूँ कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ से टाइटल लगाते हैं जी एक्सेस के फिर चार्ट के लेबल्स है ये चार्ट लेबल लाना है नहीं लाना ये एक यहाँ पे आप ला सकते हो ठीक है उसके बाद डाटा लेबल्स ये जो डाटा आपने ऊपर एक्सेल से उठाया वो या नीचे भी आ सकता है जैसे वो ऊपर से ना देखो नीचे भी आ रहा है इस तरह एरर बार अगर कोई एरर वगैरह है तो उसके इस तरह से बार्स आ जा जाएंगे देन ग्रिड लाइन्स ये खत्म भी हो रही है ये आपको ये अंदर नजर आ रही है ग्रिड लाइन लेजेंड्स जो नीचे आपके पास ये लिखा हुआ ये सारा ये भी रिमूव हो जाता है ऐसे ठीक है ये भी आप अपनी मर्जी से इसको इस साइड पे या इस साइड पे ला सकते हो ठीक है जी अच्छा इसकी पोजीशनिंग में आप थोड़ी सी चेंज भी कर सकते हो मैं आपको करके दिखा भी देता हूं जैसे इसको थोड़ा सा आप छोटा कर दें ऐसे ठीक है ये वाला उठ के यहां पे आ जाएगा Right? वो आप अपनी मर्जी से जैसे आपको जरूरत फील हो रही है एज पर योर नीड्स आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अच्छा उसके बाद ट्रेंड लाइन है ये जो, ये जो जो ट्रेंड है ना आप ये शो करा सकते हो ये इस लाइन के थ्रू होता है ये अब आपने किस चीज का ट्रेंड शो कराना है आ, आप फॉर एक्साम्पल इसका शो कराना चाहते हो इबिट्टा का तो इबिट्टा का ट्रेंड ऐसे आ रहा होगा ये देखो ये बिट्टा का ट्रेंड आ रहा है ठीक है इसी तरह जो आपने और ट्रेंड लाइन वगैरह शो करानी है वो यहाँ से आ जाते हैं अच्छा उसके बाद आप चार्ट्स की जो टाइप्स हैं कलर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं वो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं पे जिस तो तो तरह आप फिल्टर्स लगा सकते हैं किसी एक चीज को ठीक है जरा रेवेन्यू गायब करना है तो वो गायब हो जाएगा इस तरह इबिटा राइट ये देखें तो ये आपके पास जो है वो जिस तरह से आप चाहे होते हैं वैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अच्छा इसके बाद जो आपके पास दूसरा ग्राफ बनता है वो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर इसका थोड़ा स्पेन ज्यादा हो गया इनशाला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ना हम बाकी के जो एक दो तीन ग्राफ है वो बनाते हैं थैंक यू सो वेरी मच फॉर लुकिंग इनटू इट सी यू नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज